Hello friends, welcome to my channel Riddhi's Delicacies. So before I would start with the recipes, let me introduce to myself to all of you. I am Lakshanda Alankar from Goa. और मैं आपको गोवन रेसिपीज और अलग अलग टाइप की रेसिपीज बना के दिखाने वाली हूँ इस चैनल पे. तो आज हम बनाते हैं टोमेटो राइस. तो टोमेटो राइस इज वेरी सिंपल रेसिपी और बहुत टेस्टी भी बनती है. तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं. सो ये मैंने दो बड़े कटे हुए टोमेटोस लिए हैं. ये मीडियम साइज प्याज है कटा हुआ, कैरेट है मीडियम साइज, कैप्सिकम है, ये राई, ये करी पत्ता, ये 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और एक खड़ा मसाला लिया है. ये हल्दी पाउडर है, चिल्ली पाउडर है और ये गरम मसाला है. ये दोनों 1-1 चम्मच है और ये 2 चम्मचे हैं. और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट और गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर. और ये हमने लिए हैं बासमती राइस 250 ग्राम है. ये मैंने 15 से 20 मिनट तक सोख के पानी में रखा था, अच्छे से धो के अभी रेडी है बनाने के लिए. तो फ्रेंड्स इंग्रेडिएंट तो आपने देख लिए हैं, अभी चलिए बनाते हैं टमाटो राइस. सो लेट्स स्टार्ट. ये पैन रखा है हमने गैस पे. अब जो खड़ा मसाला हमने दिया है वो आप इसमें मिला देंगे. प्याज डाल दें, यहाँ पे ये मैंने पानी पहले से उबालने को रखा था, ये उबल गया है. तो इसमें हम ये बासमती राइस डालेंगे. ये
ये सोख गए हैं तो ये जल्दी पक जाएंगे और हमको पूरा इसको पकाना नहीं है, 100% 80% तक पकाना है इसको। तो यहाँ मैं इसको ढकती हूँ। थोड़ा पानी मिलाएंगे थोड़ा बढ़ाती हूँ गैस का फ्लेम। चार पांच मिनट के बाद अब ये सब्जियां पक चुकी हैं। अब इसमें हम लोग अनियन मिलाएंगे लास्ट में। सारी सब्जियां पक चुकी है, मैंने इसमें टमाटर डाला है लास्ट में और इसके साथ जो हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डाल दिया है। अभी इसको एक अच्छा सा उबाल आने तक इसको पकाना है और बाद में इसमें बासमती चावल मिक्स करने और इसमें मैं नमक भी मिला रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकती हैं। हमारा चावल भी पक के रेडी है। अभी इसको हम इसका पानी अभी हम अलग करेंगे। स्टार्ट। अभी हमारा राइस पक चुका है, मैं इसको ड्रेन कर रही हूँ। अभी पानी आप देख सकते हैं कि राइस रेडी है। अब एक ध्यान दीजिएगा कि ये राइस ग्रेन्स जो है वो टूटे नहीं। ये राइस को देख सकते हैं अभी और फूल गया है राइस। तो आप मिक्स कर लीजिए पूरा। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, ये देखिए मिक्स हो चुका है। तो ये हमारा टोमेटो राइस रेडी है। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर रायता और पिक्का के साथ भी खा सकते हैं।
आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि जब मैं अगली बार कोई भी रेसिपी पोस्ट करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रेसिपी। टिल वी मीट अगेन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टे सेफ। थैंक यू।